मोदी जी एक सभा में गए, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इतने अब शकुनी लोग हैं ये लोग, उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई, गांव गांव में शमशान बन गया। বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। চাল আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। ছোটো কা সরদার হমেশা হর বাত এসে বলতে রে। আরে প্রাইম মিনিস্টার কা এক তরফ, প্রাইম মিনিস্টার কা বাপ ইয়াহ বৈঠা, উনে ভি ঝুট, উনোনে ভি বোলা मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मोदी झूठ बोलते हैं, झूठों की सरदार है। मोदी झूठ बोलते हैं, झूठों की सरदार है। मोदी जी शायद समझ गए हैं कि उनसे नालायक और निकम्मा कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता इस देश में नहीं है। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना, तो इस तरह का हो रहा है। बड़ा भारी एहसान किया उन्होंने देश की जनता के ऊपर कि उन्होंने मणिपुर के ऊपर बोल दिया। दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर प्रवचन दे रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आँख है और गधा को भी दो आँख होता है। उसको दे दो, लगे नहीं कि नरेंद्र मोदी पैर की धूल भी नहीं है लालू प्रसाद। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए। नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है। मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप प्राइम मिनिस्टर इज वन सच स्पेसिमेन। And of course, our Prime Minister is one such specimen. इतो मोदी ना ये पगला मोदी, इतो मोदी ना ये पगला मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस में आपत्तिजनक बयानों का दौर अब भी जारी है। अब खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने जुबान खोली है और नालायक शब्द का इस्तेमाल किया है। नीवु ये नेड़ी बंजारा समाज दोरी के, आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भी, घर कैसे चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। खड़गे ने कहा कि मोदी जहरीले सांप की तरह आया। मोदी अंदर विषद हावितंग है, नहीं अंदर विष आदा इला नोड़ा स्वल्प नेक नोड़ा नेक कोगिरी नेक्रु सत्ता ಇಲ್ಲಾ ಇದು ವಿಷಯ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಖತ್ಮ ಕರೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರೋ ಅಗರ್ ಮೋದಿ ಖತ್ಮ ಹೋ ಗ್ಯಾ ತೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಬಚ ಜಾಯೆಗಾ ಅಗರ್ ಮೋದಿ ರಹಾ ತೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಖತ್ಮ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ ನರೇಂದ್ರ गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। दैट्स ट्रू। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। सोनिया जी ने मौत के सौदागर कहे, सौदागर है, मैं कहता हूँ मौत के, इन्होंने ही मौत के सौदागर का शवों का गोधरा के शब की स्मशान यात्रा निकालने वाले थे अहमदाबाद में। क्या कहेंगे आप कि मौत के सौदागर ने तो और क्या है? ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ हर जगह कितने आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या? गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं,
गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। तो मैं तो कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा। गोलिया के रख ले रही है पूरा भर के ओके साथ मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के भाई नमक धन्य कर नमक का सही उपयोगिता वही से है। प्रधानमंत्री और एक महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। मोदी जी का सामना पाकिस्तान से हुआ, मोदी जी पाकिस्तान की बिरयानी खा के आ गए। भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, सच पूछ तो फांसी का हकदार भी तू ही है। मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा है, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, चोटी काट देंगे, छुट्टी छुट्टी। नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश बोले মমতা ব্যানার্জি देखिए ठीक है साहब की जो मैसेज है बढ़िया करे भाई, कावेद मोदी का पेट पड़वाओ चो कूतर। कनेडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोक थी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी पुराणों में जैसा सनातन धर्म में के हमेशा शिव की पूजा मोस्टली राक्षसों ने की है। अब तुम ही साला खूनीदेर राजा, खूनीदेर जमींदार, डकैतदेर जमींदार, सब टाका खेये निये छो। मोदी का राष्ट्रवाद धोखा है, मोदी का राष्ट्रवाद फर्जी है, मोदी बहुत खतरनाक है भाई साहब इस देश के लिए। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। कहता हूँ कि वो एक सांप है, वो एक बिछुआ है। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंधी नाली, कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंधी नाली। दिल में आया ठोक दिया, इसको ही कहते हैं हिटलर। दिल में आया ठोक दिया, इसको ही कहते हैं हिटलर। हर बुराई के लिए कांग्रेस को दोष देते हैं। मुझे लगता है कल को कभी ये ना बोल दें कि नरेंद्र मोदी की पैदाइश भी कांग्रेस की वजह से ही हो, क्योंकि उनसे ज्यादा बुरा आदमी समझ देश में कोई नहीं। नालायक बेटा है, उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने माँ का इस्तेमाल करता है, तब हमको उस पे सवाल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मौत तेरे बाप की जोगी नहीं है। नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मौत तेरे बाप की जोगी नहीं है। अल्लाह ताला ईश्वर गधे को दूध बात खिलाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। नसीब था इनका बेचारे, यानी क्या करते थे क्या बन गए। लेकिन कम से कम जब आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो पढ़े लिखे नहीं अगर हैं तो जाकर मनमोहन सिंह जी से, जाकर सिन्हा साहब से, लोगों से गलत और राय बात करने के बाद कोई कदम उठाए, वरना देश को बर्बादी के कगार पर लिए जा रहे हैं। ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के, धोबी के कुत्ते वाली बात हो जाती है। तो अब ये प्रधानमंत्री जी पर निर्भर है कि वो कितना कहाँ झुकते हैं। गलत का सरदार आंधी बैठा हुआ नटवर लाल, चौकीदार चोर है नरेंद्र मोदी, चोर है एक बड़ा चोर है, एक बड़ा चोर है। मोदी जी के कहाँ पोते हैं उन्होंने तो कहा है, मोए है मोदी, ओए है जी, कहाँ है वो जी, कौन कहता है उसको, वो तो कुत्ता है। उनका जो 56 इंच का जो पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बनाएंगे ड्रिल करके, बांस घुसा के सुरंग बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे, किसी के बाप का नहीं रोक पाएगा।
गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी धर्म और मौत के सौदागर रावण रूपी नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक अंत करेंगे। रावण रूपी नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक अंत करेंगे। कितना नमक हराम है आप देखिए, कितना नमक हराम है आप देखिए। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज।